है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी मेरे ख्याल से अच्छी होंगे। तो मैं आप सबों के बीच फिर से एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि कोलकाता का होने वाला है और हावड़ा ब्रिज का। तो आज कुछ काम था कोलकाता में, इसकी वजह से हम जा रहे हैं। मेरे साथ भी और एक फ्रेंड है जिनका काम है, मेरा काम नहीं है, उन्हीं का काम है, बस मैं साथ में जा रहा हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ वो कौन है। तो आप देख सकते हो वो जा रहा है, तो उन्हीं का कुछ काम है तो उसके साथ में ही बस मैं जा रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी बात आप सबों को मैं सोचा कि कुछ ब्लॉग्स बना दूं क्योंकि बहुत दिनों से कुछ बनाया नहीं हूँ, ब्लॉग्स वगैरह नहीं आया चैनल पे। तो चलिए मैं हावड़ा ब्रिज का ही दिखा देता हूँ आप सभी को। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो फिलहाल मैं अभी गिरिडीह न्यू स्टेशन जो है वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, फिर वहाँ से हम लोग मधुपुर का ट्रेन पकड़ेंगे, फिर वहाँ से मधुपुर से डायरेक्ट कोलकाता। तो ठीक है, आप सभी लास्ट तक बने रहना। तो ये हम लोग पहुँच गए न्यू गिरिडीह स्टेशन। है फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का स्टेशन जो कि मैं दिखा देता हूँ चारों ओर से आप सभी को स्टेशन का नज़ारा। अभी देख सकते हो इधर से ही हम लोगों का ट्रेन आने आएगी और इधर से फिर इधर से हम लोग होके जाएंगे। और ये रहा जैसे मैं एक खड़ा है यहाँ पे, ट्रेन पता नहीं है किस चीज़ का है। बाकी बात आप देख सकते हो मेन रेलवे स्टेशन है। बाकी बात इधर से मधुपुर का हम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं, फिर मधुपुर जाएंगे, इसके बाद ही मधुपुर से। तो है फ्रेंड्स, हम लोगों का ट्रेन आ चुकी है। तो हम लोग देख सकते हो यहाँ पे इस गेट से चढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है और वहाँ पे बैठने वाले हैं, फिर आप सभी को दिखाऊंगा कि मधुपुर में क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली हम लोग मधुपुर स्टेशन। तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे लगभग 9 बजे की ओर कोलकाता। तो आप सभी को कुछ क्लिप दिखा देता हूँ मधुपुर स्टेशन का। तो चलिए साथ में बने रहिए हम लोगों के साथ। चलो फ्रेंड्स, आज इतना ही मस्ती करते हैं, फिर अब कोलकाता के लिए निकलेंगे 9 बजे। तो आप सभी को फिर कोलकाता स्टेशन में आप सभी को फिर दिखाऊंगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो है फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कोलकाता स्टेशन। अब यहां से हम लोग रूम जाएंगे, इसके बाद आप सभी को सुबह में दिखाऊंगा वहां का कुछ नज़ारा। हम लोग जब रात को वहाँ पे उतरे स्टेशन पे तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। तो हम लोग सुबह जब नाश्ता वगैरह किए, तो अभी फिलहाल इधर कुछ काम से आए हुए, तो मैं कुछ दिखा देता हूँ इधर जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ के बाद फिर से जाएंगे हम लोग जो कि हावड़ा ब्रिज की ओर जाएंगे और फिर घर लौटेंगे शाम तक। तो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है इधर का। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे एक जो शायद मेरे ख्याल से तालाब है जिसका नाम कुछ है, हमको नहीं पता है। मेरे साथ में भैया आए हुए हैं तो मैं उनसे पूछ के आप सभी को बताऊंगा। तो चलो दोस्त, इस जगह का नाम शॉर्ट लैंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे घूमने में अच्छा लगा, जो कि हम लोग थोड़ा बहुत घूमे फिर यहाँ से घर निकलेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। तो आप सभी को छोटा सा कुछ क्लिप दिखा देता हूँ, तो आप सभी देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग है यार, बड़ा है वो, बहुत ही। ये हो गया तालाब। बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा प्लान है यार। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और एक चीज और गाइस, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ यार दोस्त। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद ना बहुत ही और औसम तरह का वीडियो आने वाला है, जो कि यहाँ का एक पार्क है जिसमें जाके आप सभी को दिखाऊंगा। इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके बाद फिर आप सभी को मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच गए मधुपुर, जो कि हम लोग वापस आ चुके हैं। तो अब फिर यहां से न्यू गिरिडीह स्टेशन जाएंगे, फिर न्यू गिरिडीह स्टेशन से फिर घर।